Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीरत बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। कोटरी के इलाके खानपुरा में सहाफ़ी की ज़मीन पर अफगानियों का कब्ज़ा मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक दादू के सहाफ़ी ज़हीर चांडियों की मकसूद चांडियों ने जामशरा प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और कहा कि हमारी ज़रूरी ज़मीन के जो कोटरी के दे सर्वे नंबर 50 में वाक़ है, जहाँ पर अफगानों ने कब्ज़ा कर लिया है, जामशरा पुलिस अफगानियों के साथ मिली हुई है। उन्होंने हमारी फसल का भी नुकसान कर दिया है और ये हमारी आबाऊ अजदाद की ज़मीन है जिसको अफगानियों से फौरी तौर पर कब्ज़ा खाली करवाया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईजी सिंध DSP जामशरा से अपील करते हैं कि ज़रूरी ज़मीन का कब्ज़ा असल मालिकान को दिलवाया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। इन तंजीम से वाबस्ता आयो अफगानिस्तान से तालुकात तक असा घर न हटाइंदे फार्म न हटाइंदे सरासर नान साहब ये जुलम बरदस्त है कब्जे माफिया जो इतो डाद है खबर ना तो उनके खिलाई मखलूक की सपोर्ट है या मकान मांग की या सियासी मांग की सपोर्ट है असं समझूता तेरे गलत कम में उनके सपोर्ट कान होंगी पर गाल असाने मतलब पूरा केस दाखिल किया हुआ 22 एबी आस सरासर पठान नाथू बन हिंसर असा जमीन अच्छा पौधा अच्छा असा तो नान साफी जुलम असा आला अख्तियार का चीफ जस्टिस सिंध का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकाबला असा जी जमीन का कब्जो खत्म कराया वे घट में घट आई जी साहब नोटिस वे DIG हैदराबाद नोटिस वे SSP दादू SSP जामशो बलोच साहब से मिलाऊ असा तो टाउन करना तैयार को पुलिस की पाँची मनमानी पी थी हल वो टाउन करने तैयार कान कें जैसे बंदे से वनता वो असर टाउन करने तैयार कान पर असें हटा तो वे भाई ग्राम मंत्री कोर्ट में जमीन आज कें सेल कर सो यो पाकिस्तान के कानून में आए जो पाकिस्तान जो शहरी आया कड़े पाकिस्तान के आइन में आया कि आइन बुधा वे पढ़ल लिखल मूँ आया मुझे बुधा वे तो सिंध जो रवासी मूँ पाकिस्तान जो रवासी मूँ तो मैं बे शहर में जमीन नो वी या विक्रो कर या सेल नो कर किथा जो कानून है सरासर नान साफी है जुलम लगो पे एक हथियार कल्चर मूँ आज उ धमकी पे था दियन असि जमीन है असि रिहायश उतने कान का असा चयन मूल केस दाखिल किया है असा बेपना चुका छोक है इज्जत कर मूल के मौसी साथ दिए अस दुनिया जो आवाज़ एवान से पहुँचा अज अस खुद बीठा कानून के कटड़े में। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए 97newstv.com। मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सीरत बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।